ये है गाइस पूरा महल, और पीछे की साइड वाला मैंने आपको दिखा दिया था, ये देखो। और ये उदयपुर का सबसे पुराना महल है, और ये बना था 15वीं शताब्दी में। What's up everybody, it's Arjun Bist and welcome to my YouTube channel with another vlog। तो गाइस आज आए हम सिटी पैलेस, और ये बनाया है महाराजा उदय सिंह ने, और ये बना था 15वीं शताब्दी में। और आज दिखाते हैं आपको म्यूजियम और काफ़ी सारा, बहुत बड़ा महल है। तो चलते हैं ऊपर, और पहले सबसे पहले टिकट लेंगे और टिकट लेके जाएंगे ऊपर। तो टिकट लेके जाएंगे अंदर, और ये देखो तो यहाँ पे 3 रुपये की टिकट मिलती है पर पर्सन, और म्यूजियम की टिकट मिलेगी आपको 800 की। ये देखो दो दो। तो ये रही गई अपनी टिकट अंदर जाने की, तो चलो अंदर चलते हैं। तो ये है गाइस सिटी पैलेस का मेन गेट, और यहाँ से होती है एंट्री। सबसे पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी, और टिकट चेक करवा के अंदर। तो ये है गाइस महल, ये देखो, और बहुत बड़ा महल है ये, और यहाँ घूमने के लिए चाहिए काफ़ी सारा टाइम। और ये शॉप भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, ये देखो। ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, तो ये है गाइस सामने पिछोला लेक, और वो देखो सामने दिख रहा है पानी के बीच में ताज होटल, और ये पूरा होटल पानी के बीच में है। और यहाँ बोट से आते हैं और बोट से जाते हैं, तो चलो नीचे जाते हैं, नीचे जा के दिखाते हैं आपको। तो ये गाइस सामने गार्डन, और गार्डन है काफ़ी अच्छा, तो वहाँ आपको घुमाएंगे। और अगर आपको घूमने आना है ना, तो राजस्थान आओ, उदयपुर आओ, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी लोकेशन है घूमने के लिए कि आपको 3 या 4 दिन तो कम पड़ जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोकेशन है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पर। और आप एक बार विज़िट तो ज़रूर करना यहाँ पर, क्योंकि ऑसम प्लेस है, ऑसम, और बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, तो एक बार जरूर ट्राई करना। और यहाँ से मिलती हैं बोट की टिकट्स, ये देखो। और ये सामने वाला है ताज होटल, और ये सामने, ये इधर है ओवरे होटल, और ये है सामने जग मंदिर। और यहाँ पे हुई थी सिरपत शेट्टी की शादी, तो यहाँ पे काफ़ी वीआईपी लोग शादी वादी या फंक्शन करवाते हैं, और काफ़ी अच्छा है ये, पानी के बीच में पूरा, तो उसके लिए बोट से जाना पड़ता है इधर भी उधर भी, और काफ़ी अच्छा है ये भी देखने के लिए। ये देखो यहाँ से जाके बोट नीचे, और घूमना है तो उदयपुर घूमो, मसूरी, शिमला और मनाली में कुछ नहीं रखा है। ये देखो द ब्यूटी ऑफ राजस्थान, ये देखो सामने बोट जा रही है, अल्टीमेट व्यू बन रहा है यहाँ से, और वो ऊपर दिख रहा है बिल्कुल पहाड़ पे सज्जनगढ़, यानी कि मॉनसून पैलेस जहाँ हम कल गए थे।
तो चलो ऊपर चलते हैं और आगे भी देखते हैं, काफ़ी कुछ बहुत बड़ा है ये सिटी पैलेस। ये देखो गाइस, ये सामने बिल्कुल यहाँ से पीछे का व्यू महल का, और काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ से व्यू। और गार्डन भी काफ़ी अच्छा है इसका। और ये देखो टॉयलेट, ये नॉर्मल टॉयलेट तो है नहीं, राजा महाराजाओं के टॉयलेट हैं, तो इतने खतरनाक बने हुए हैं। ये गाइस, ये देखो ताज फतेह प्रकाश पैलेस, और इसकी एंट्री है यहाँ से, और गेस्ट यहाँ से जाते हैं बोट पे, तो वहाँ पे ताज पैलेस में, ये देखो जो पिछोला लेक के बीच में है बिल्कुल। तो चलो अब ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं, काफ़ी सारे नज़ारे और बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। ये देखो तो ये देखो गाइस, ये देखो महल का बैक साइड, ये देखो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और ये नीचे गार्डन में जाने के लिए गाड़ी। तो गाइस ये है राजा जी का महल, और यहाँ अभी भी जो राजा जी के वंशज हैं वो रहते हैं, और इसलिए यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है, यहाँ पे एंट्री बंद की हुई है इन लोगों ने। और ये देखो पूरा, ये देखो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखो पुराने आर्किटेक्चर, ये देखो और ये देखो पुराने जमाने के आर्किटेक्चर, और यहाँ पे अगर आप आओगे तो काफी तरीके का ये देखो महल देखने को मिलेगा आपको। तो चलो अंदर चलते हैं। ये देखो और ये दरवाज़ा गेट इतना बड़ा, और ये देखो इस गेट को कम से कम 20 लोगों को धक्का मारना पड़ेगा बंद करने के लिए। और ये है सिटी पैलेस म्यूजियम। और ये है गाइस, जिन जिन महाराजाओं ने इनमें बनाने का योगदान दिया था वो हैं, ये देखो महाराणा जवान सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा हमीर सिंह, महाराणा हरी सिंह, महाराणा राज सिंह। ये देखो जो 22 राजाओं ने इसको बनाने में योगदान दिया था उनके सबके फोटोज़ हैं। ये देखो महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा भगवत सिंह। तो चलो आ जाओ ऊपर, आ जाओ और ऊपर दिखाते हैं अब आपको। इधर जा सकते हैं, इधर चलते हैं, यहाँ दिखाते हैं खुश महल का चौक, राजकीय संग्रहालय उदयपुर। और ये देखो ये देखो पुराने दरवाजे, सोने के दरवाजे।
गायब ही तो मजे। ये देखो पूरा महल। तो ये है गाइस पूरा महल, और पीछे की साइड वाला मैंने आपको दिखा दिया था, ये देखो। और ये उदयपुर का सबसे पुराना महल है, और ये बना था 15वीं शताब्दी में। तो बाकी के जो पैलेस हैं वो उसके बाद बने थे। तो ये देखो, और ये महल ही यहाँ पे जो सबसे बड़ा महल है, बाकी सब इतने बड़े हैं नहीं, और ये सबसे पुराना भी है। तो गिफ्ट शॉप, अगर आपको कुछ ख़रीदना होगा तो वो भी खरीद सकते हो आप, और जो राजस्थान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ पे वो मिलेंगे आपको इधर। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें। ये देखो, तो फाइनली गाइस हम जाके आ चुके हैं अंदर से। तो और ये देखो, ये मेन गेट एंट्री, और ये है महल, और यहाँ से होती है सामने से म्यूजियम की एंट्री। तो करते हैं गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड। आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट कर देना, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।